नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोसेटम टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, फ्लोसेटम टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फ्लोसेटम टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि फ्लोसेटम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। फ्लोसेटम एक ब्रांड नेम है। फ्लोसेटम टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन पैरासिटाम होता है। फ्लोसेटम टैबलेट 400 mg व 800 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। फ्लोसेटम टैबलेट दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ावा देती है और दिमाग की नर्व सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। फ्लोसेटम टैबलेट का उपयोग दिमाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। फ्लोसेटम टैबलेट का उपयोग सिर में कोई चोट लगने पर, अल्जाइमर डिजीज होने पर, लकवा लगने पर, दिमाग की याददाश्त कमजोर होने पर, डिप्रेशन होने पर और पार्किंसंस डिजीज होने पर फ्लोसेटम टैबलेट का उपयोग किया जाता है। पार्किंसंस डिजीज होने पर हाथों या पैरों का अपने आप हिलना, हाथों या पैरों में कंपन होना, हाथों व पैरों की गति धीमी होना, खड़े होने में कठिनाई होना, शरीर का संतुलन बनाए रखने में परेशानी होना, चबाने, निगलने या बोलने में परेशानी होना और मांसपेशियों में अकड़न होना आदि लक्षण पार्किंसंस डिजीज होने पर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में फ्लोसेटम टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में फ्लोसेटम टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, सिरदर्द होना, उल्टी आने का मन होना, शरीर में थकान होना, नींद न आना, दस्त होना, पेट में बेचैनी होना, पेट दर्द होना, आँखों में धुंधलापन होना, दिल की धड़कन का कम या तेज होना, ब्लड प्रेशर कम होना और त्वचा पर रैशेस होना आदि साइड इफेक्ट्स फ्लोसेटम टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोसेटम टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। फ्लोसेटम टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर फ्लोसेटम 800 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। फ्लोसेटम टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको फ्लोसेटम टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोसेटम टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर और सेरिब्रल हेमरेज होने पर यानी दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होने पर फ्लोसेटम टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना फ्लोसेटम टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि फ्लोसेटम टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को फ्लोसेटम टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को फ्लोसेटम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका फ्लोसेटम टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।